हेलो स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन, ये क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब बारी है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है हमारे पास। उससे पहले एलिट्रेशन, व्हाट इज़ एलिट्रेशन? तो डेफिनेशन दिया हुआ है, एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सनेंट साउंड इन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो एलिट्रेशन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस में जो वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स हैं, यानी फर्स्ट लेटर, वो लेटर एक तो कॉन्सनेंट हो और वो रिपीट होते हों, उनके साउंड, अगर कॉन्सनेंट साउंड रिपीट होते हों तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एलिट्रेशन इज़ टू क्रिएट अ रिदम एंड टू मेक द टेक्स्ट मोर इंटरेस्टिंग। एलिट्रेशन का काम यह है कि वो पोएम में रिदम लाता है, उसे म्यूजिकल बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, वांटेड वेयर, यहाँ पे डब्लू, वांटेड एंड वेयर दोनों ही डब्लू जो कि कॉन्सनेंट लेटर है, इससे स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट है वीक एंड वेरी, यहाँ पे भी वीक और वेरी डब्लू से स्टार्ट होता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एलिट्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब यहाँ पे हमें करना कुछ भी नहीं है, ये देखना है कि इन सेंटेंसेस में जो इनिशियल कॉन्सनेंट लेटर्स है क्या वो रिपीट हुए हैं, अगर हाँ तो एलिट्रेशन है। तो बस हमें उन लेटर्स को अंडरलाइन करना है। आई हैव ऑलरेडी डन दिस। सो वन, द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू, यहाँ पे एफ, लेटर एफ जो है बार बार आ रहा है, एफ फॉर फेयर, एफ फॉर फोम, एफ फॉर फ्लू, बस एफ को अल्टर अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट वन इज़ द फरो फॉलोड फ्री, यहाँ पे भी एफ लेटर रिपीट हो रहा है, सो अंडरलाइन ऑल थ्री एफ, ये है एलिट्रेशन। थर्ड, फॉर द स्काई एंड द सी एंड द सी एंड द स्काई, यहाँ पे जो रिपीट हुआ है वो लेटर है एस, स्काई, सी, सी, स्काई। फोर, पीटर पाइपर पिक्ड अ पिकल, यहाँ पे पी लेटर रिपीटेड है। और लास्ट नंबर फाइव में है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, यहाँ पे भी एस जो कॉन्सनेंट, इनिशियल कॉन्सनेंट साउंड है वो रिपीट होता है। तो इन सब को अंडरलाइन कर देना है और ये क्वेश्चन कंप्लीट।